रागी या मड़ुआ का जो सर आटा होता है, कैल्शियम का काफी अच्छा स्रोत माना जाता है, क्या सर आयुर्वेद में क्या जिक्र है इसका? अब कैल्शियम की बात आए तो जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट में हमेशा याद रखना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल, फैट, इन सब चीज़ों का जो एक ग्रुप हुआ, समूह हुआ, वही बैलेंस डाइट हुआ। और बैलेंस डाइट कैसा हो जिसमें शरीर के सभी अंगों को पूरा पूरा पोषण मिले। आपने देखा होगा उस बच्चे को जिसको पूछा, अरे तूने माँ का दूध पिया है? बचपन में लोग कहते आ आ माँ का दूध पिया तो आ कुश्ती लड़, आ पंजा लड़ा। ये तो सच है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी देखा है, सच्चाई भी यही है। तो उस समय जो कमजोर बच्चा होता है वो धीरे से खिसक जाता है, पीछे हट जाता मैदान से। कारण उसमें कैल्शियम की कमी होती है, कारण उसमें प्रोटीन की कमी होती है, कारण उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। सवाल आ रहा है कि कैल्शियम किस में है? कैल्शियम को हमारे आयुर्वेद में सुधा कहा गया, अमृत कहा गया, ठीक है। जैसे हम मड़ुआ का आटा उदाहरण के लिए लेते हैं, सत्तू लेते हैं, तो सत्तू में क्या, चना का सत्तू है, मकई का भी सत्तू है, तो मकई क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, सत्तू दोनों ही है, पर है क्या, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका डेफिनेशन होगा कार्बोहाइड्रेट, उसका डेफिनेशन होगा प्रोटीन। तो इसी तरह से जो आपने बताया कैल्शियम, वो चीज़ जो शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है वो आपको कैल्शियम में आएगा। अब सबसे चीज़ पहला है मड़ुआ का आटा। मड़ुआ का आटा आसानी से मिलता है, पर वो उत्तर भारत में मिलता है, दक्षिण भारत में नहीं मिलता है। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट मिलेंगे, गरम मसाले मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण उसी के लायक बना है। उत्तर भारत और मध्य भारत में, जैसे मध्य भारत से मतलब है आपका मध्य प्रदेश हुआ, आपका ये उत्तरी भारत, उत्तरी भारत से मतलब है उत्तर भारत के आपका गोरखपुर, पूर्वांचल, और उत्तरी भारत से मतलब मेरा इटावा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ये इलाके जो हुए उत्तर भारत कहलाए। और उत्तर से जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, बिहार की तरफ बढ़ेंगे, तो पूर्वोत्तर भारत कहलाएगा। पूर्व भारत से अगर मध्य की तरफ चलेंगे, जैसे भोपाल जाएंगे, आपके बाद भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, वो मध्य भारत कहलाएगा, जहाँ मूंगफली होता है। मूंगफली भी एक कैल्शियम का कुछ हद तक स्रोत कह सकते हैं, क्योंकि वो भी हड्डी को मजबूती देता है। पर चना है, मूंगफली है, बाजरा है, ज्वार है, मड़ुआ का आटा है, ये अच्छे स्रोतों में है। किसमें? कैल्शियम के लिए। कैल्शियम वो चीज़ जो शरीर की हड्डियों को मजबूती दे। अच्छा, इसी तरह दूध है, एक अच्छा स्रोत है, दूध में भी कैल्शियम है पर बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और उसमें है कि गाय का दूध है तो बहुत ही अच्छा, भैंस के दूध में थोड़ा कम है, इस बात को नोट करना है। अगला चीज़ है और कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे सतावर है, अश्वगंधा है, उसमें भी कैल्शियम है, नो डाउट, विधारा है, उसमें भी है, पर वही है कि थोड़ा महंगा हो जाता है। अखरोट है, काजू है, बादाम है, जितने ड्राई फ्रूट है सब कैल्शियम के स्रोत हैं। निसंदेह उसमें दाम महंगा है, वो हमारी पहुंच के बाहर है, सब लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। पर बादाम, मूंगफली बादाम तो सब खरीद सकते हैं। मूंगफली बादाम अपने आप में एक बहुत अच्छा सस्ता स्रोत है, सर्वसुलभ है, कोई भी मूंगफली का बादाम खा सकता है। अंकुरित करके रात को पानी में रखे, चना है, चना को अंकुरित करके कैल्शियम ले सकता है। दूध तो है ही, नो डाउट, पर दूध सबके बस का नहीं है, 60 रुपये किलो, 50 रुपये खरीदना और डेली लाना। डेली सबसे बड़ा, इतना टाइम नहीं आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल ऐसा मेरा हजल और पजल हो गया, उथल पुथल और भाग दौड़ की दुनिया में हम समय पर जा कर के खटाल से
गाय के गौशाला से दूध नहीं लाते। हमारी अपनी दिनचर्या ऐसी व्यस्त है कि हमारे पास टाइम नहीं, भले हम पैकेट के दूध ले लें। कैल्शियम का स्रोत ये सब जो पता है बस।